हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल इक्वेशन। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री। सो डियर स्टूडेंट, खासकर क्लास 10th के बच्चों के लिए बैलेंसिंग बहुत मुश्किल टास्क होता है। बैलेंसिंग हम करते क्यों हैं, व्हाई नीड बैलेंसिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेफिनेशन समझते हैं कि हमें बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन एनर्जी, द मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मींस ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, हम ये समझेंगे कि जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा मेथड अपनाना चाहिए। जनरली वैसे आपके क्लास 10th में कोई स्पेसिफिक मेथड तो है नहीं, बट एक मेथड है जिसका नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे की जानी चाहिए और हम बैलेंसिंग को कैसे आसान तरीके से समझ सकते हैं और इसको कर सकते हैं। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। सो अगर मैं इस इक्वेशन को करना चाहूं तो फर्स्टली ये चीज आप समझिएगा, आपको इनका फॉर्मूला और सिंबल आना चाहिए। आपको एलिमेंट के सिंबल और फार्मूलाज आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो जरूर इसको आप लर्न कर लीजिए। सो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, एरो लगाना बहुत कंपलसरी है। लेफ्ट साइड में हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड में आपके रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट, एंड राइट साइड में हमेशा आपके प्रोडक्ट होते हैं। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। क्लियर? सो आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से, सो बेटा यहां पर क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। क्लियर? अब ये समझते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O जो आपको मिला है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? तो देख लेते हैं। फर्स्टली इस इक्वेशन को बैलेंस, सो देख लेते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अगर हमें चेक करना है तो चेक करने का तरीका क्या है, आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड LHS लिखिए और इस साइड आप RHS लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके जो रिएक्टेंट है उसमें कितने एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो पहला कैल्शियम, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा कार्बन और हाइड्रोजन। क्लियर? कैल्शियम यहां पर 1 है, ऑक्सीजन यहां पर 2 है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है और कार्बन 1 है। सॉरी, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4, यहां पर 4 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड पे। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, गलतियां हो सकती हैं। कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 4, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है। राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं क्या यही सेम है। अब कैल्शियम राइट हैंड साइड पे 1 है बेटा, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 3 एंड 4,
4, तो ऑक्सीजन यहां पर 4 है, कार्बन बेटा क्या कितना है 1, एंड हाइड्रोजन आपका कितना है 2। सो फर्स्ट रिएक्शन आपका, फर्स्ट इक्वेशन आपका वैलेंस हो गया, क्लियर। ये ऑलरेडी वैलेंस है, बट ये तो आपको आना चाहिए। जनरली कोई भी आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, उससे पहले आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, स्केलेटन लिखना आना चाहिए, आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। यानी कि जैसे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला, तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आता है, और आगे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आता है, वाटर का फॉर्मूला आता है, तो डेफिनेटली आप इस इक्वेशन को इजिली टैकल कर पाएंगे, इजिली कर पाएंगे, क्लियर। सो सेकेंड इक्वेशन सो डियर स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन इज जिंक, दिस इज जिंक। नाउ हेयर द सिंबल ऑफ जिंक इज Zn. What is this? This is silver nitrate, and silver nitrate AgNO3, clear? यहां पर आपका क्या है, जिंक नाइट्रेट। अब ये चीज आप याद रखिएगा रिएक्शन में, कि जिंक के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो और NO3 पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, NO3 पर एक नेगेटिव और सिल्वर पर एक पॉजिटिव, तो ये तो आपका हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इधर NO3 एक है, बट इधर ZnO3 का होल ट्वाइस क्यों हो गया? तो हम बताएंगे आपको बेटा, क्लास 9th में आपने वैलेंसी पढ़ी होगी और ये समझा होगा कि सिल्वर की वैलेंसी +1 होती है, जिंक की वैलेंसी +2 होती है। तो अगर जिंक पर +2 का चार्ज है, तो जिंक को 2 निगेटिव, यानी अब इसको न्यूट्रल यानी बैलेंस करने के लिए, कि अगर इसके पास 2 पॉजिटिव है तो इसको 2 निगेटिव चाहिए, और यहां NO3 पर एक ही निगेटिव है, सो इसलिए जिंक के साथ जब NO3 जुड़ने जाता है तो वहां पर 2 NO3 की नीड होती है। इसलिए इसका जो प्रोडक्ट में फॉर्मूला बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, जिंक का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर Ag। नाउ अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंसिंग का बहुत आसान तरीका है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए, राइट हैंड साइड पे देखिए क्या ज्यादा है और क्या कम है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, और फिर राइट हैंड साइड पे देखने पे हमें यह पता चला कि राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन ज्यादा है और नाइट्रोजन भी ज्यादा है। तो राइट हैंड साइड पे जो नाइट्रोजन ज्यादा है, यहां पर नाइट्रोजन 2 है बेटा, राइट हैंड साइड पे नाइट्रोजन 2 है, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहां पर हम लगाएंगे 2। बीच में नहीं लगाना है, आप बैलेंस करिए। उससे पहले बैलेंस करते समय आप एक बॉक्स बना लीजिए, और इतना ध्यान रहे कहीं यहां पर कुछ आपको ऐड नहीं करना है। जैसा रिएक्शन है उसमें डिस्टरबेंस आपको नहीं करनी है, आपको जो भी डिजिट लिखना है वो इस बॉक्स के बाहर लिखेंगे। तो जैसा कि यहां पर नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे 2 है, तो 2 हमें करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इधर भी 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन सिल्वर इधर 2 है, अब इधर सिल्वर 1 है, तो इधर भी 2 कर दीजिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन 3 × 2 = 6, और यहां पर ऑक्सीजन 3 × 2 = 6, यानी अब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। सो बहुत इजी होता है, बस आपको ये पहचानना होता है कि किस साइड एलिमेंट ज्यादा हो रहे हैं। तो उसके अगर इधर ज्यादा हो रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे बराबर करिए, मल्टीप्लाई करके बैलेंस करिए, और अगर राइट लेफ्ट में ज्यादा हो रहा है तो राइट में आप बैलेंस करिए, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, दो इक्वेशन हम लोगों ने समझ लिया, उसको बैलेंस करके भी समझ लिया, एंड नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इक्वेशन। सो नेक्स्ट इक्वेशन इज एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ
कॉपर क्लोराइड. सो हियर थर्ड इक्वेशन इज एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ CuCl2 कॉपर क्लोराइड एंड गिव्स यू द प्रोडक्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर Cu. सो अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली यहां पर ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड साइड पे क्लोरीन ज्यादा है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन 2 है, राइट हैंड साइड पे 3 क्लोरीन, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्लोरीन. क्लियर? अब दोनों को बैलेंस कैसे करेंगे, तो लेफ्ट में अगर हमें मल्टीप्लाई, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो यहां पर क्लोरीन हो जाएगा 3 × 2 = 6, और यहां पर अगर क्लोरीन हमें 6 करना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्लोरीन है बेटा वो हो गया है 6, 2 × 3 = 6. अगर राइट हैंड साइड पे भी क्लोरीन आपको 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी हो जाएगा क्लोरीन 6. चूंकि एल्यूमिनियम अब राइट हैंड साइड पे 2 हो गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप कर दीजिए 2, और कॉपर बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, तो राइट हैंड साइड पे भी 3 हो जाएगा. एंड नाउ दिस इक्वेशन आर बैलेंस्ड. क्लियर? सो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया. तो बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको लेफ्ट और राइट को देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज हमने पढ़ा है कि जब तक रिएक्टेंट इक्वल नहीं हो जाएगा प्रोडक्ट के, आपका जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड माना जाएगा. क्लियर? मींस जितने एटम लेफ्ट में है या जितना मास आपका लेफ्ट में है, उतना आपका एटम या मास राइट हैंड साइड पे होना कंपलसरी है, अनदर आपका इक्वेशन अनबैलेंस्ड माना जाएगा. क्लियर? सो अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने का यही तरीका है, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट इक्वेशन. सो नेक्स्ट इक्वेशन इज, सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इक्वेशन इज बेरियम क्लोराइड, BaCl2, बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करा देंगे बेटा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट के साथ, और यहां पर क्या मिलेगा, जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है उसका नाम क्या है बेटा, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl. अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिएगा कि ये जो पोटेशियम है इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है, और SO पर SO4 पर 2 माइनस का चार्ज होता है. तो अगर जितने निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना कंपलसरी है, तभी ये कंबाइन करेंगे. तो इसीलिए दो निगेटिव के साथ पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए हमने 2 पोटेशियम लिया. यह क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि पोटेशियम की बैलेंसी +1 होती है, सल्फेट की बैलेंसी 2- होती है. अब 2- के लिए 2+ का होना कंपलसरी है, और हमारे पास पोटेशियम के 1+ होता है, तो 2- का 2+ करने के लिए हम 2 पोटेशियम लेते हैं. क्लियर? नाउ BaCl2 का रिएक्शन जब पोटेशियम सल्फेट के साथ होता है, देन आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बेटा BaSO4, बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड KCl. अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, अभी ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है. अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वही तरीका हिट एंड ट्रायल मेथड, और बहुत अच्छे से समझते हैं बेटा. चलिए लास्ट इक्वेशन है आपका NCERT का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो है, उसका पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे. कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा, हर एक चीज आपको बताई जाएगी. बस आपको इस फ्री एजुकेशन का आपको सिर्फ इतना सा फी देना है. फी का मतलब
बस इस चैनल को आपको शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, क्लियर। सो अब इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे जो एटम है, कौन कौन से एटम है बेटा, कौन कौन से एटम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है रिएक्टेंट में, तो पहला है बेरियम, दूसरा है क्लोरीन, और तीसरा है पोटेशियम, चौथा है सल्फर, और पांचवा जो है वो क्या है, पांचवा है बेटा ऑक्सीजन, क्लियर। अब यहां पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन है 2, पोटेशियम कितना बेटा 2, सल्फर हाउ मच 1, एंड ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन 4। क्या यही चीज राइट हैंड साइड पे है, आप चेक कर लीजिए, बेरियम 1, क्लोरीन यहां पर बेटा आपका 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहां पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पे पोटेशियम 2 है एंड क्लोरीन भी 2 है, राइट हैंड साइड पे बेटा पोटेशियम 1 क्लोरीन 1, तो यहां सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो चेक कर लेते हैं, क्लोरीन कितना है, कितना बेटा 2, एंड पोटेशियम 2, सल्फर 1, एंड ऑक्सीजन ऑल्सो 4, क्लियर। सो ऑल 4 केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड, हमने इसको अच्छे से समझाया। अगर आपको कोई डाउट होता है इन सभी टॉपिक्स से, कोई भी डाउट होता है तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, नोट्स का अलग से आपको पेमेंट पड़ेगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।